नहीं हम लोग को दुकान मिला है। अच्छा, आप लोग को दुकान नहीं मिला? नहीं मिला। तो वहाँ पे दुकान जो मिला वो किनको आवंटन हुआ है? नया नया दुकानदार के मिला हुआ है, पुराना के मिला है कहाँ? चल नहीं रहा वहाँ, वही नहीं हो रहा है दुकान मिल गया है। बीस सौ रूपया नहीं बिक रहा है, बाल बच्चा हम लोग कैसे पढ़ेगा लिखेगा? एक महीने से हम लोग को लेकर पाँच पाँच वाला तरस रहा है, फुटपाथ वाला को दिक्कत हो रहा है। हम लोग इतना पुराना चालीस, हम लोग को चलन नहीं चलता था दुकान है, हम लोग का दुकान कबार दिया है। दुकान ही लगवाई है, वो नहीं चल रहा है, चूड़ी बिकता है कहीं सब्जी दुकान में? कोई महिला नहीं जा रहा है वहाँ पहनने चूड़ी? बोहनी नहीं हो रहा, वहाँ बोहनी पता नहीं होता। समझिए कि हम जेल में पड़े हुए रहते हैं सारी दिन, हो जाए दुखता हो तो दिमाग पागल हो गए हमको। तो क्या लगता है वहाँ से आप लोग यहाँ? हम लोग यहाँ चलाएंगे, वो बढ़िया हुआ नहीं बने हैं, लल्ला से पीछे में लगाएंगे। हम लोग नहीं छाए छुएंगे, हम लोग रोज उठाएंगे, रोज खाएंगे बेटे। लेकिन आप लोग यही देखिए, सभी जितने भी यहाँ पे आसपास के दुकानदार थे, चूड़ी वाले वैसे सब्जी वाले, इनका कहना है कि चाहे जो भी हो जाए हम इसी मार्ग पे दुकान लगाएंगे, हम प्रत्येक दिन उठाएंगे, प्रत्येक दिन लेकर जाएंगे, लेकिन हाँ बिल्कुल हम यहीं पे दुकान लगाएंगे जी। रोज उठाएंगे रखेंगे। मोदी और पच्चीस बार मर रहा है भूखा, वो जब बिक में नहीं करता तब लोग क्या करेंगे? नहीं करता है, मर जाएंगे, वहाँ बोहनी नहीं होता है। बीते दिन अतिक्रमण को देखते हुए नए सब्जी मंडी का निर्माण कर उसमें सब्जी एवं चूड़ी दुकान लगाया गया, पर सभी दुकानदार मंडी में सब्जी न बिकने का आरोप लगाते हुए फिर से थाने रोड में दुकान लगाने लगे। जानकारी के अनुसार प्रशासन पर आरोप लगाते हुए बताया कि प्रशासन गरीबों के साथ गलत कर रहा है, तभी हम लोग का सब्जी फेंकने का धमकी देता है और पैसे की वसूली करने का प्रशासन पर लगाया। सभी दुकानदारों ने आरोप, सब्जी को कैसे बर्बाद, दुकानदार से जब बात किए तो सभी दुकानदारों ने बताया कि चाहे अब कुछ भी हो जाए दुकान हम लोग इसी रोड पर लगाएंगे। सभी दुकानदार ने बताया कि नए सब्जी मंडी में हम लोग का सब्जी नहीं बिक पा रहा है, हम लोग का उस मंडी में नुकसान ही नुकसान हुआ, कभी फायदा नहीं हुआ। अब प्रशासन मेरे साथ जो भी कर सके हम दुकान इसी अपने साथ में थाना रोड में लगाएंगे, दुकानदारों ने कहा। क्या सर, आप उस सब्जी मंडी में गए तो सब्जी नहीं बिक रही थी, तो क्या सर वहां से आप भी यहां आने की सोच रहे हैं या फिर जिस प्रकार से अनुमंडला पदाधिकारी जो आपको राय दिए हैं, सलाह दी, आप लोग घिराव भी कल किए थे, तो घिराव में निर्णय क्या लिया गया था सर? वहाँ नगर अध्यक्ष जी बोले कि जहाँ लगाते थे वहाँ लगाए, लेकिन नाला छोड़ करके लगाए। अच्छा, नाला छोड़ करके आप दुकान लगा सकते हैं, तो ये कौन बताए थे? नगर अध्यक्ष वीरेंद्र बैठा जी। अच्छा, वीरेंद्र बैठा जी, तो आपका परिचय सर? चंदन कुमार मरपुरा। चलिए, सभी दुकानदार जो भी यहाँ पे जो थाना रोड दुकानदार जो हैं उन्होंने बैठा जी से बात कर करके, वीरेंद्र बैठा जी से, नगर पंचायत पालक हैं, उनसे बोले कि आप दुकान को अतिक्रमण मुक्त कर करके लगा सकते हैं, नाले को छोड़ करके लगा सकते हैं। चलिए मैं उनसे बात कर लेता हूँ कि दो दिन पहले इनके सब्जी को थोड़ी प्रशासन के द्वारा इधर उधर किया गया था, मैं उनसे भी थोड़ा सा बात कर लेता हूँ कि क्या इनको वैसे दिक्कत आई थी, क्या समस्या आई थी। सर, आप जिस दिन सब्जी दो दिन पहले जो सब्जी बेच रहे थे तो क्या हुआ था सर? पूरा सब्जी प्रशासन छीट दिया लात मार के। ऐसा क्यों? यहाँ हम तो नाला के पीछे लगा रहे हैं, दुकानदार नहीं था, झाका हुआ था, तैयो झाक करके पूरा उपहार करके लात से मार के पूरा सब्जी बोरा हो टमाटर प्याज सब बोर कर दिया। अच्छा, सब छीट दिया था। अधिक्रमण से इधर है जी, रोड पर थोड़ी अधिक्रमण से अंदर है। तो आपने कल नगर पंचायत की घेराव भी किए थे प्रखंड में जाकर के, तो क्या वहाँ से निर्णय मिला? आश्वासन, खाली संतुष्टि दिए हैं कि हम अगला जाओ लगाओ, वहाँ लगाओ जी, नाला के पीछे। अच्छा, जो अतिक्रमण मुक्त करने की बात आ रही है और फिर भी जो वाहन को प्रवेश निषेध है, भारी वाहन, लेकिन भारी वाहन जा रही है, तो इसमें क्या कहेंगे आप? खाली नो एंट्री लगा हुआ नाम के लिए, नो एंट्री खाली आ रहा है वो तो बड़ा बड़ा टम टम पर आ रहा है, खाली पुलिस प्रशासन के कमी है, नो एंट्री खाली नाम का है, डम्फर तो शाम को देखते है कि जाता है आता है जी। तो वैसे जब सब्जी फेंक रहे थे तो आप लोग कहाँ थे? हम लोग खाना खाने गए थे, हाथ के खाना खाने चल जाते हैं। अच्छा, तो उनसे फिर बात नहीं किए कि सब्जी आप क्यों? क्या बात, सुनने वाला कुछ नहीं है।
जाते हम लोग जाते और मार खाते हैं। लोग गरीब आदमी है, चार चार वो लड़की है, इसी से जी रहे, इसी से खा रहे हैं। आपका नाम क्या हुआ सर? हमारा नाम संजय प्रसाद है। कहाँ मकान हुआ? पालीगंज, प्रॉपर पालीगंज। तो जिस प्रकार अतिक्रमण मुक्त को लेकर के नया सब्जी मंडी भी वहाँ पे सब्जी दुकान भी लगाया जा रहा है, तो क्या आप उस सब्जी मंडी में गए हैं या फिर बाजार में सब्जी मंडी लगा रहे हैं? ना गए हैं, लेकिन वहाँ कोई व्यवस्था ढंग से नहीं है, वहाँ पानी भरी हुई है पूरी जी। और अभी जाए वहाँ जाकर देखा जाए जी, पूरी तरह से वहाँ पानी जमाव है और गंद दे रहा है। अच्छा, तो वहाँ पे वैसा है तो उस पर आपको लोग एक लेटर के माध्यम से कंप्लेन भी कर सकते थे कि ऐसा ऐसा दिक्कत है, इसको कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है जी। तो कल जब आप प्रखंड में जा करके नगर पंचायत को घिराव किए थे तो उन्होंने क्या आश्वासन दिए? आश्वासन दिए कि आज विधायक जी आएंगे और इसी बात को लेकर चर्चा होगी आज। अच्छा, आज विधायक जी आएंगे जी। तो सभी लोग जितने भी दुकानदार हैं वो सिर्फ आश्वासन पे टिके हुए हैं ताकि हमें उससे समस्या से समाधान मिले। ये लोग ये भी कह रहे हैं कि हमें नगर जो नाले को छोड़ कर करके देखिए, अब नो एंट्री में देखिए, अभी आप देख सकते हैं नो एंट्री के ट्रक भी आ रहा है नो एंट्री में, तो ऐसा नहीं है। कितना स्पीड में भारी वाहन भी आप देख सकते हैं, जब लगाया गया है नो एंट्री तो अभी आप देख सकते हैं थाने के पास से ही, अब देखिए दोनों तरफ से देखिए भारी वाहन, देखिए प्रवेश निषेध कर दिया गया है, लेकिन अभी भी वैसे भारी वाहन का आवागमन होते रहता है। तो क्या लगता है आप लोग के सर कि क्या होगा? देखिए सर, हम वहाँ पर दुकान लिए बेचे, वहाँ पर से संतुष्ट नहीं है सर, बेच पा वहाँ दुकान पर भी लगा कर वहाँ सौदा फेंकने पड़ रहा है, वहाँ पर प्लस में पानी जमा हुआ है, वहाँ बेचने से संतुष्ट नहीं है हम लोग, रोड पे बेच कर संतुष्ट है, यहाँ वहाँ पर खाली घाटा लग रहा है। समझे, आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि रोड के नाला के साइड में हम लोग को मिल जाए तो ज्यादा बेटर है जी। देखिए फिर से एक नो एंट्री में, देख ऊपर में जो ट्रक के जो है वो सीवा ऊपर में लिखा हुआ है, देखिए आप हम दिखाएंगे पूरा, लगातार नो एंट्री में भारी वाहन प्रवेश या आवागमन हो रही है। लेकिन जो भी वैसे छोटे जो व्यापारी हैं जो सब्जी बेचते हैं उनको तंग, इनका आरोप है कि हमें तंग किया जा रहा है, तो ऐसा ना करें। मैं अनुमंडला पदाधिकारी से अनुरोध करता हूँ कि इन्हें थोड़ी सी मदद किया जाए, और जो भी नो एंट्री में वैसे भारी वाहन आते हैं, देखिए बिना चेक पोस्ट के नो एंट्री लगा दिया गया, लेकिन चेक पोस्ट ना होने की वजह से भारी वाहन का आवागमन चालू है। तो लेटर के माध्यम से चलिए वैसे बता दिया गया है, लेकिन चेक पोस्ट ना होने की वजह से देख सकते हैं फिर से भारी वाहन थाने वाले मार्ग से देखिए आवागमन हो रही है। हम लोग सुसाइड करने के लिए तैयार है, इसके जिम्मेदार प्रशासन होगा और हम इस अब हम यही बचेंगे, अब कहीं नहीं बचेंगे सर। यहाँ से आप हटने को तैयार नहीं है? नहीं। आपका परिचय क्या हुआ? हमारा मुकेंद्र कुमार मैम। आपका घर? घर है पालीगंज। नहीं बोलेंगे। अच्छा, आप लोग चूड़ी जो बेचते हैं? हाँ, नहीं हम लोग को दुकान मिला है। अच्छा, आप लोग दुकान नहीं मिला? नहीं मिला। तो वहाँ पे दुकान जो मिला वो किनको आवंटन हुआ? नया नया दुकानदार के मिला हुआ है, पुराना के मिला है कहाँ? चल नहीं रहा वहाँ, नहीं हो रहा है, दुकान मिल गया है। बीस सौ रूपया नहीं बिक रहा है, बाल बच्चा हम लोग कैसे पढ़ेगा लिखेगा? एक महीने से हम लोग को लेकर पाँच पाँच वाला तरस रहा है, फुट वाला को दिक्कत हो रहा है, हम लोग इतना पुराना चालीस, हम लोग को चलन नहीं चलता सा दुकान है, हम लोग को दुकान कबार दिया है। कोई महिला नहीं जा रहा है वहाँ पहनने चूड़ी, बोहनी नहीं हो रहा, वहाँ बोहनी पता नहीं होता, समझिए हम जेल में पड़े हुए रहते हैं सारे दिन, हो जाए दुखते हुए दिमाग पागल हो गए हमको। तो क्या लगता है वहाँ से आप लोग यहाँ? हम लोग यहाँ चलाएंगे, वो बढ़िया रख हुआ नहीं बने हैं, लाला से पीछे में लगाएंगे हम लोग, नहीं छाए छुएंगे हम लोग, रोज उठाएंगे रोज खाएंगे बेचेंगे। लेकिन आप लोग यही लाकर लगाएंगे? देखिए सभी जितने भी यहाँ पे आसपास के दुकानदार थे चूड़ी वाले वैसे सब्जी वाले, इनका कहना है कि चाहे जो भी हो जाए हम इसी मार्ग पे दुकान लगाएंगे, हम प्रत्येक दिन उठाएंगे, प्रत्येक दिन लेकर के जाएंगे, लेकिन हाँ बिल्कुल हम यहीं पे दुकान लगाएंगे जी। रोज उठाएंगे रखेंगे, मोदी सबसे पहला मर रहा है भूखा, वो जब बिक में नहीं करता तब लोग क्या करें, वो जाइब नहीं करता है, बच जाएंगे, वहाँ बोहनी नहीं होता है। आपका पर्ची, आपका नाम क्या हुआ? हमको कुसुम कुमारी नाम हुआ। कहाँ मकान हुआ? पालीगंज। आपके साथ क्या हुआ था? आप प्रशासन को गलत बता रहे हैं, आपके साथ क्या हुआ था वैसे? 500 रुपया मांगे। क्यों? भाई आया कि 500 रुपया दीजिए जी, नहीं दे रहा था बचवा, हाँ उठा के ले चलो। अच्छा, 500 रुपया दिए? तो उनसे पूछे नहीं कि क्यों ले रहे हैं 500 रुपया?
तो रसीद तो दिए होंगे, रसीद दिए हैं ना, और फिर बताया कुछ बोले होंगे? कुछ नहीं बोले हैं। आपका नाम क्या हुआ? नौलेश। कहाँ के रहने वाले हैं? नीरक। प्रशासन वैसे क्या किया? ₹500 लिया जी। नहीं दे रहे हैं तो सौदा उठाओ। अच्छा, सौदा उठाओ, ला दो, सौदा उठा के ला दो। तो आपने पूछे नहीं कि क्यों ले रहे हैं? फाइन। फाइन ले रहे हैं? क्यों फाइन ले रहे हैं? तो ना पूछे, हम नहीं पूछे। पर्ची दिए होंगे ना? पर्ची दिए। तो पर्ची कहाँ है? पर्ची घर पर होगा। घर पे है। आपका नाम क्या हुआ? उमेश प्रसाद। मंडी में सब्जी दुकान लगा रहे हैं तो क्या आपको दिक्कत क्या आ गई है? हम लोग को जबरदस्ती लगवा दिए हैं जी। वहाँ बिक नहीं रहा है, आधा सब्जी तो बिका ही जा रहा है, आधा सड़ ही जा रहा है। चार दिन में बिक रहा है 100 किलो, हमको 40,000 नुकसान है। तो देख लीजिए जाके बिक दिए कितना बैंगन। तो आप लोग क्या करना चाहते हैं? हम लोग करना चाहते हैं कि वहाँ सब्जी नहीं बिकेगा जी, जब बिकेगा तो चलता फिरता राह पर ही बिकता है। तो आप लोग यहीं लाने का ठान रखे हैं? हम लोग यहीं आना चाहते हैं। अच्छा, कल लगाएंगे दुकान। कल आप लोग घिराव कर रहे थे तो घिराव में क्या आया? बात आई थी वहाँ से निकल करके कुछ हो ऐसे? वो जबरदस्ती खाली कर रहे हैं, हम लोग को धमका रहे हैं, टॉर्चर करते हैं। अच्छा अच्छा, आपका नाम क्या हुआ सर? नाम शंकर कुमार। कहाँ मकान हुआ? अलीगंज।